हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित दोहर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर के नेपा नगर क्षेत्र से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सर से ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। बेसिकली मैंने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है मैकेनिकल फील्ड में, बट अभी मैं वैसे जॉबलेस था और मुझे कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा थी, तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने यूट्यूब पर सर्च करा इस चीज़ के बारे में, ये मुझे देखने में आया था इंस्टाग्राम से, और मैंने इसको फिर और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करी। इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे सर के बारे में पता चला। मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर के पास आज मैं आया हूँ यहाँ पे, और आज से ही मैंने ज्वाइन किया है। और सर से बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन रहा, और बेसिक चीज़ें जो सर ने मुझे समझाई वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, तो यहाँ से अब इसे आगे ले जाना है, तो सबसे प्रैक्टिकली सीखूंगा मैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले कास्टिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं। कास्टिंग में हम लोग रिवर टेबल के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि यह है, आप देख सकते हैं, और एक है ये टेबल टॉप। ये टेबल टॉप भी जिससे कुछ हम लोग इसके ऊपर क्रिएटिव डिज़ाइंस बना सकते हैं, जो केमिकल की हेल्प से रेशियो में हम उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद इससे जो डिज़ाइन आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम ये शुरू करते हैं और इसके ऊपर हम आज वर्क करेंगे। और यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इस पे सर की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे इसको देखकर सीख सकते हैं। और यदि आपको प्रोफेशनली इसको इस चीज़ को सीखना है तो सर से कांटेक्ट करके यहाँ आइए और सर से सीखिए इसको। आज के टाइम में ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि नहीं है हमारे एरिया में ज़्यादा, तो आप इसे सीख कर बहुत कुछ अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कैसे करूँगा ये आपको देखना है, वीडियो को आखिरी तक देखिए और उससे सीखिए कि ये हम लोगों ने कैसे किया है, तो आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, हमने ये MTR रेजिन का एक केमिकल है, इसे हमने एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया है, जिससे लकड़ी को फिक्स करेंगे, और ये इससे चिपकने के बाद में इसके बाद इसकी अगली प्रोसेस देखिए। हम इस लकड़ी को सील कर रहे हैं। अब आप इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर सभी तरफ प्रॉपर इस केमिकल को फैला लीजिए, जिससे ये सील हो जाएगी। देखिए, अब हम ये लकड़ी के ऊपर जो केमिकल डाल रहे हैं, इससे इसके जो छेद हैं ये प्रॉपर तरीके से भर जाएंगे, जिससे इसके बबल नहीं निकलेंगे और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके चारों तरफ केमिकल लगा दिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर आगे की प्रोसेस करेंगे। ये इतनी देर में ये लकड़ी इसके ऊपर सील्ड हो जाएगी, फिर ये हिलेगी नहीं और आपका काम जो होगा आगे वो प्रॉपर तरीके से होगा। फ्रेंड्स, तो हमने ये 2 कलर तैयार किए हैं, एक कलर है पर्ल ऑरेंज और एक है लाइट ब्लैक कलर। अब इसको हम इस मोल्ड में पोर करेंगे और देखते हैं इससे कैसा टेक्सचर आता है। थोड़ी सी ऐसा भी नहीं मैच करिए, घटा देना है। अब ये इक्वल बराबर आ गया अपना। अब थोड़ा चाप ले लो। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मोल्ड में पोरिंग कर ली है। अब इस केमिकल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको 6 घंटे बाद देखेंगे कितना कंप्लीट होता है, और फिर आपको बता। और इसके बाद में फिर हम इसके ऊपर क्लियर कोट डालेंगे। देखिए, हमने जो केमिकल डाला था ये आपस में मर्ज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है, और आपको भी यही क्लैरिटी मेंटेन करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार किया था कल, और इसके अंदर हमने आज कुछ फ्लेक्स डाले और कुछ डेकोरेशन के हिसाब से इसमें स्टोन्स रखे हैं, और इसको अब हम पोरिंग करेंगे। इसलिए हमने MTR रेजिन से इपॉक्सी रेजिन लिया है, जिसका यूज़ करने के बाद हम इसको फिल करने के बाद रात भर छोड़ देंगे, कल ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियरिटी देखिए, आपको यहाँ से क्लियर मेरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा।
अब हम इसकी सैंडिंग करेंगे और इसकी पॉलिशिंग करेंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। जिस मोल्ड से हमने इसे बनाया था, इस सिलिकॉन मोल्ड से हम इसी प्रोडक्ट को 25 बार यूज़ करके और इस तरीके से पीस तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जिस पीस पे वर्क किया था, आज हमने इसकी ग्राइंडिंग कर ली है और आज हम इसके ऊपर ग्राइंडिंग करने के बाद में इसका टॉप कोट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे अब टॉप कोट लगा दिया है और अब हम उसको एक नाइट के लिए छोड़ देंगे, ये पूरा सूख जाएगा।